हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में बताने जा रही हूँ एक DIY के बारे में, जिसमें मैंने एक सूप की छलनी से बनाया है खूबसूरत सा लैम्प। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी अमिया की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। मैंने दो अमिया ले लिया, आजकल गर्मी का मौसम आ गया है, और उसमें प्रेशर कुकर में 7 whistles दे दी, 6-7 whistles दे दी। अब मैंने सूप की छलनी लगा के इन अमिया को छान लिया। एकदम साफ़ पानी में मैंने प्रेशर कुकर में डाला था विजल देने के लिए, क्योंकि इस पानी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स आ जाते हैं। फिर मैंने कढ़ाई ली, उसमें देसी घी डाला, जीरा, हींग, लाल मिर्च का छौंक लगाया, हल्दी डाली, और उसमें वो अमिया का पानी जो मैंने सूप की छलनी से छाना था वो सब डाल दिया। इसमें बहुत मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं। फिर लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक और काली मिर्च, ये सब डालने के बाद मैंने इसमें अमिया डाल दी और 1 cup मैंने मिश्री डाल दी। जब मिश्री घुल गई तब मैंने अमिया डाल दी। फिर मैंने आधा घंटा पका के जब ये गाढ़ा मिक्सचर हो गया उतार ली। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, गर्मियों में रोटी के संग बहुत ही बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे डे टू डे कुकिंग में सूप की छलनी का क्या रोल होता है। हर चीज़ में सूप की छलनी मेरी यूज़ ही होती है, या तो चाय छानने वाली छलनी या सूप की छलनी। ये सूप की छलनी मेरी टूट गई थी, ये दो होल्स देख रहे हैं आप लोग साइड में, इसके हैंडल टूट गए थे। ये मैंने रख दी थी क्योंकि टूटे हुए बर्तन मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। टूटी हुई चीज़ों से मैं बाद में फिर DIY कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मुझे एक लैम्प की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा इस टूटी हुई छलनी से ही लैम्प बनाया जाए। फिर मैंने स्केल की मदद से सेंटर पॉइंट लगा लिया, पेंसिल और स्केल लिया, और मैंने स्केल और पेंसिल की मदद से सेंटर पॉइंट में लेके पेचकस से एक होल बीच में कर दिया और दो साइड में होल्स कर लिए। इसमें मैं बल्ब होल्डर लगाऊंगी। दो साइड के जो मैंने होल्स किए हैं उसमें मैंने नट बोल्ट्स को फिक्स किया। इस तरह से मुझे 3 सेंटर में होल्स मिल गए, 1 बीच में और 2 साइड में। पेचकस की मदद से आराम से होल्स हो जाएंगे ये, और इसमें मैं अपना बल्ब होल्डर आराम से लगा लूँगी। यहाँ देखिए मैं बल्ब होल्डर लगा रही हूँ, देख रही हूँ टेस्ट करके। तो मैंने वायर लगाया और 2 साइड में नट बोल्ट्स लगा लिए और 1 बल्ब भी फिक्स कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे ये फेरी लाइट एक रखी थी जो कि बेकार हो गई थी, जल नहीं रही थी, तो इसके सारे लट्टू जो ब्रास के कलर के हैं सब मैंने निकाल लिए, कट कर लिए, और इसमें मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया तो ये चमकने लगे। इसको भी मैंने अपनी लैम्प में यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने मास्किंग टेप लगाया, जाली के दोनों साइड्स में, बॉर्डर्स में मैंने मास्किंग टेप लगा लिया क्योंकि मुझे इस पर ब्लैक पेंट करना है, और बीच में जो जाली है ना उस पर मुझे गोल्डन पेंट करना था। इस तरीके की मेरी कलर थीम थी। दोस्तों, हम लोग को ट्राई यही करना चाहिए कि DIYs अपनी बेकार पड़ी हुई चीज़ों से ही बनाएं, इससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ नेट पे गोल्डन स्प्रे, और गोल्डन स्प्रे करने के बाद मैंने ऊपर और नीचे ब्लैक पेंट करना शुरू कर दिया। बीच में मेरे गोल्डन स्प्रे हो गया है और ऊपर और नीचे मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था, क्योंकि जो गोल्डन कलर है ये एनहांस हो गया ब्लैक कलर करने से। अब बारी आई नेक्स्ट स्टेप में बटरफ्लाइज बनाने की। इसके लिए मैंने सीडीज़ का यूज़ किया है। सीडीज़ का जो चमकीला पोर्शन होता है ना, उसको मैंने पेपर नाइफ की मदद से निकाल लिया, मुझे मिल गई एकदम ट्रांसपेरेंट सीडीज़। बटरफ्लाई जो मुझे पसंद आ रही थी उसका पैटर्न मैंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके निकाला और इन ट्रांसपेरेंट सीडीज़ को उन पैटर्न के ऊपर रख दिया। ट्रेसिंग पेपर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने स्केच पेन से इसको ड्रॉ कर लिया और पेपर कटर की मदद से, प्लास्टिक कटर की मदद से मैंने इन बटरफ्लाइज़ को काट लिया। कैंची से भी आराम से कट रही थी क्योंकि मेरे पास सिंगल सीडी थी, ये पतली हैं सीडीज़ बहुत, तो आराम से मैंने इनको कटिंग करके इनकी बटरफ्लाइज़ काट ली। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ग्लास कलर्स रखे थे, तो उस पर लाल रंग कर रही हूँ मैं बटरफ्लाइज़ पे। किसी पे मैंने नीला रंग लगाया, किसी पे हरा और किसी पे पीला। इस तरह से मुझे रंग बिरंगी तितलियाँ मिल गई कटी हुई सीडीज से, और इसमें मैंने निडल, गरम निडल की हेल्प से एक एक होल कर लिया बीच में। इन तितलियों पे मैंने 3D आउटलाइनर से वाइट मार्जिन दे दिया और मेरे पास बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हो गई। इस तरह से मैंने करीब 21 बटरफ्लाइज़, कलरफुल बटरफ्लाइज़ बना ली, और इनको मैंने जाली से, जो मेरी सूप छलनी की जाली थी उसे मैंने थ्रेड की मदद से टांग लिया, और मेरे पास शैंडलर भी अवेलेबल हो गया। फाइनली मेरा लैम्प तैयार हो गया और मैंने अपनी बालकनी में इसको टांग दिया। ये बन गया मेरा झूमर कम लैम्प, एक सस्ती सी छलनी से जो बेकार पड़ी हुई थी, ओनली इन 40 rupees। बताइए है ना कॉस्ट अफेक्टिव और सुंदर भी। ऐसा तो मैंने मार्केट में भी नहीं दिखी, मैंने बहुत ढूंढा इसी टाइप की चीज़ लेकिन मुझे मार्केट में नहीं मिली। ये है रात का लुक दोस्तों। इसमें देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो बटरफ्लाइज कैसे झूम रही हैं, उड़ रही हैं,
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। मेरा ये शैंडलर बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है, लैम्प बनके बहुत सुंदर तैयार हुआ है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू। दोपहर में सनलाइट में जब सन की रेज इन तितलियों पर पड़ रही थी तो एक इंद्रधनुषी रंग निकल आया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।